मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंग चार्ट पर आधारित हैं। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़े, जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी उत्तर प्रदेश।